क्योंकि आप ढेर सारा इतना सारा खाने की हिम्मत रखते हो ना, तो इतनी सी एक्सरसाइज करने की भी हिम्मत रखो। और हेलो दोस्तों, नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को। अभी जिम में हैं और जिम से ही वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। 3-4 छुट्टियां हो चुकी हैं और उसके बाद तो समझ लो मन ऐसा ऐसा लगता है अंदर से कि वर्कआउट ही ना करें, एक दो छुट्टी क्या हो जाए, मन ही नहीं मानता। लेकिन हमें अपना हौसला बना के रखना है, हारना नहीं है। कोई भी काम हम कर रहे हैं, एक दो दिन अगर गैप हो जाए ना, तो तीसरे दिन हमें ये लगता है कि एक दो दिन की छुट्टी और कर लें। ऐसा मेरे साथ में तो होता है, आपके साथ में पता नहीं होता है नहीं होता है, ये आप अपने ऊपर करके या सोच के देख लेना। फिलहाल ये चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, कभी मन मना करेगा, कभी काम करने का होगा तो मन के हिसाब से नहीं चलना है, हमें अपने हिसाब से चलना है, अपने रूल अपने दिमाग पर चलाने हैं, दिमाग के हिसाब से खुद को कंट्रोल नहीं करना है। तो अभी जिम में हैं, देख सकते हैं कोई भी नहीं है, सब लोग जा चुके हैं, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम है, मेरा भी अलग टाइम है वर्कआउट करने का। तो मुझे मज़ा आता है एकांत में, बस शांति में वर्कआउट करने का। जल्दी से वर्कआउट ख़त्म करते हैं, और वीडियो भी नहीं आ रही थी दोस्त, होली आ रही है। मैं फिर उन लोगों को थोड़ा अवगत करा दूं, अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे लें, खुद की हेल्थ पर काम कर लें। अभी भी 20-25 दिन आपके पास हैं, और अच्छे से जो है खुद को ला सकते हैं ट्रैक पर। अब वो आपकी मर्जी है। देखिए फिटनेस, मैं बार बार एक चीज़ के लिए प्रमोट कर रहा हूँ, फिटनेस के लिए क्यों कर रहा हूँ, इसके बहुत शानदार रिजल्ट हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं जो आपको अभी नहीं दिख रहे हैं। जब इस फील्ड में आप जाएंगे और काम करेंगे तो आपको खुद होगा, खुद महसूस होने लगेगा। 1 घंटा ही चाहिए, और मुझे लगता है हर इंसान के पास ये समय है और बहुत आसानी से निकल सकता है। लेकिन आपको फालतू की चीज़ों से जब टाइम मिले तब ना अपने ऊपर काम करोगे, तभी फिटनेस की तरफ ध्यान दोगे। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि आप ढेर सारा इतना सारा खाने की हिम्मत रखते हो ना, तो इतनी सी एक्सरसाइज करने की भी हिम्मत रखो। और जिस शरीर के लिए आप ढेर सारा खाते हो, तो उसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज करो, ताकि वो भी फिट रहे। और आपकी भी तबीयत है जो भी है, बार बार ख़राब ना हो, आप डॉक्टरों के पास ना जाएं, खुद की हेल्थ मेंटेन करने के चक्कर में रहें, हेल्दी खाएं, और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, बेहतर फील होगा, दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, बॉडी भी अच्छे से काम करेगी। बीमारियों में रहेंगे तो फिर ना कोई काम अच्छे से कर पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे, ना फिर और भी कोई दिन के काम कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल स्टॉप करते हैं, जल्दी से वर्कआउट कर लेते हैं, मिक्स मारेंगे, क्योंकि छुट्टियां 3-4-5 हो चुकी हैं। वैसे तो मैं छुट्टियां करता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने रात के 2-2 बजे और दोपहर में 1-1, 1:30 बजे जिम खोली है, आगे कभी 3-3 बजे वर्कआउट भी किया है दिन में। फिलहाल मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो फिर इस दौरान मैं थोड़ा बिजी था, तो फिर छुट्टियां हो गई। और इसके अलावा मेरे मेरे सामने कोई चीज़ है ही नहीं, और ना मैं किसी चीज़ को महत्व देता हूँ। एक हेल्थ और दूसरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल बॉडी पे जिम में काम करो, और मेंटल स्ट्रॉन्ग रहने के लिए अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छी किताबों की संगत करो, अच्छे गुरुओं को फॉलो करो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, देन स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। वार्म अप को कंप्लीट कर लिया है, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वर्कआउट अपना कंप्लीट हो चुका है, डबल पार्ट को ट्रेन किया, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आप भी अपने दिन के रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करें, और अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेके थोड़ा काम करें। पूरा साल आपका है 2023 में, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने अंदर बदलनी पड़ेंगी, और आप धीरे धीरे खुद
खुद से ये पाएंगे, अपने अंदर महसूस करेंगे। जैसे ही आप अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करने लगते हैं ना, आप सक्सेस की तरफ भागने लगते हैं। और जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कहाँ ख़त्म हो रहा है और जहाँ आपने अपना टाइम लगाया वहाँ से कुछ आउटपुट निकला नहीं निकला, या फिर बेवजह ऐसे ही लगे पड़े हो, तो इस चीज़ को बंद करो, खुद की वैल्यू करना सीखो, अपने टाइम को समझो। क्योंकि समय एक बार निकल जाता है दोबारा नहीं आता है, आपको बार बार पता है। बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो भी देखेंगे, लेकिन फिर भी इंसान जान कर भी गलती करता है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप ये भी कहोगे कि हमें क्यों बता रहे हो, हमें सब पता है। आपको पता है फिर भी, लेकिन क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, जिस दिन ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने लगोगे। फिलहाल हमने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, वीडियो कैसी लगती है आपको लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और फिटनेस से जुड़े रहें, बेहतर हेल्थ पे काम करें और बेहतर अपने जीवन को बनाएं शिक्षा के माध्यम से। तो किताबों का साथ भी रहना उतना ही ज़रूरी है जीवन में, जिस प्रकार हम एक फ़ोन को पॉकेट में रखते हैं, रात को सोते टाइम उसको बिस्तर से लगा के रखते हैं, उसी प्रकार किताबें भी जो है हमारा साथ ना छोड़ें। कम से कम 4 घंटे पर डे उनको दीजिए। वैसे अगर आप 6 से 8 घंटे देते रहेंगे, नहीं दे पा रहे हो जॉब की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे डेली, मतलब डेली 7ों दिन, वो महीने के 30 दिन, आप सक्सेस की ओर बढ़ने लगेंगे। फिलहाल वर्कआउट किया है, बॉडी कुछ ऐसी है, कुछ गैप हो गए हैं, और अभी बहुत सारे काम भी है, तैयारियां भी चल रही हैं। हर रोज़ खुद से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और खुद को जीतने की, खुद को और बेहतर बनाने की। लेकिन लोग आपके बारे में, आप दूसरों के बारे में जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं। जो चीज़ें आपने दुनिया से छुपा के रखी हैं, जो आप करते हैं लोगों की नज़र बंद होकर करते हैं, और उस चीज़ को समझिए कि आप बेहतर कर रहे हैं, कि आप अच्छा कर रहे हैं। खुद से सवाल किया करिए और खुद के बारे में अकेले जब आप बैठा करें तो सोचा करिए, खुद से बातें किया करिए, आपको जवाब मिलने लगेंगे। फिलहाल इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्कआउट पसंद आ रहा होगा और आप भी अपनी हेल्थ को लेकर काम करेंगे। मेरा कोई बहुत आपको बॉडी बिल्डिंग बनाने का या बॉडी बिल्डर बनाने का कोई मोटिव नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, खुद की हेल्थ के ऊपर काम करें, जिससे कि आपको जीवन में कहीं लो फील ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। जब आप बॉडी से कमज़ोर होते हैं ना, तो दिमाग से अपने आप वीक होने लगती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चाहता हूँ इजाज़त।